ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पीए पार्ट पास के सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने देर से ग्रुप ज्वाइन किया है, कि मैं आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, अब देख लें यूट्यूब चैनल पर जाकर। जो भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें से समानता के अधिकार पर और स्वतंत्रता के अधिकार पर दो अलग अलग वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ भारतीय नागरिकों के तीसरे, चौथे और पांचवें मूल अधिकार के बारे में। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया, तो नागरिकों को ऐसे मौलिक अधिकार दिए जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक थे, और उनमें तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में जो व्यवस्था की गई है वो यह है कि बेगार प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। ये बेगार प्रथा क्या थी? बंधुआ मजदूरी की प्रथा, जिसमें कि बिना पारिश्रमिक दिए श्रम करवाया जाता था उन लोगों से जिन्होंने कभी ऋण लिया हो किसी निजी साहूकार से या किसी व्यक्ति से। तो संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा बेगार प्रथा को, बंधुआ मजदूरी की प्रथा को अवैध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति से अब बिना पारिश्रमिक दिए श्रम नहीं करवाया जा सकता है, और अनुच्छेद 23 में ही मनुष्यों के क्रय और विक्रय पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि गरीबी के कारण या किसी अन्य मजबूरी के कारण भी ऐसा ना हो, इसकी व्यवस्था और गारंटी दी गई है। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 23। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई श्रम कारखानों में, होटलों में, घरों में नहीं करवाया जा सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी के कारण बहुत से बच्चे बचपन में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में किया गया है। ये बच्चों की पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, इसमें उनसे श्रम करके उनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, जिसके माध्यम से भारत के नागरिकों को बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा जैसी कुरीतियों से और बाल श्रम से मुक्ति दिलाई गई है, तथा मनुष्यों के क्रय विक्रय पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है। तो ये तो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, और धर्म जो है वो व्यक्ति का निजी मामला है, उसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अंतर्गत अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो अधिकार भी शामिल है। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, किसी के लिए भी जमीन का क्रय करना, संपत्ति बनाना, ट्रस्ट बनाना, ये सारी जो व्यवस्थाएं करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 26 द्वारा दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है, और अनुच्छेद 27 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करता है तो उसमें टैक्स की अदायगी पर निश्चित छूट उसे प्राप्त हो सकती है। और फिर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे वो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं हों, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है। इस प्रकार
हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार से वर्णन किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसलिए धर्म की स्वतंत्रता तो हम सबको है, परंतु धर्म के नाम पर हिंसा या घृणा फैलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। और अब इस वीडियो में जो तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो है, पहला अधिकार हुआ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा और संस्कृति के मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 29 और 30 में किया गया है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 29 में है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। तीन चीजें आई इसमें, भाषा, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और बहुत सी उपभाषाएं या बोलियां भी बोली जाती हैं, तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी भाषा को और अपनी लिपि को सुरक्षित रख सके। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है या पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो उस लिपि को सुरक्षित रखने का भी अधिकार है और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में अनेकता में एकता है और अनेक संस्कृतियों के लोग रहते हैं, आदिवासी संस्कृति भी है, शहरी संस्कृति भी है, तो हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाकर रखने, अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके ऊपर डटे रहने का अधिकार दिया गया है। ये तो हुआ अनुच्छेद 29। अब हम आते हैं अनुच्छेद 30 पर। अनुच्छेद 30 में ये व्यवस्था की गई है कि एक तो धार्मिक आधार पर अगर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें अपनी रुचि की शिक्षाएं प्राप्त करनी हो तो वो प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपनी संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग की अपनी धार्मिक रुझानों के हिसाब से। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन देते समय धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी को योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और इसके माध्यम से भी हमारे भारत के जो नागरिक हैं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अब रहा एक और अधिकार और वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार भी हमें प्राप्त था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है और अब संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है, एक लीगल राइट बनकर रह गया है, वो मौलिक अधिकार के रूप में अब हमें प्राप्त नहीं है। और अब जो छठा अधिकार हमें प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन उसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसी एक अधिकार पर जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है बाकी सारे अधिकारों का बना रहना निर्भर है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसलिए इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और उसके द्वारा किस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है, उन्हें न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है और न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन कौन से आदेश जारी करने का अधिकार है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जब हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने तीन अधिकारों के बारे में पढ़ा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के माध्यम से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार के शोषण से मुक्त रखने की कोशिश की गई है, खासतौर से बच्चों को बाल श्रम से आज़ादी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के माध्यम से भारतीय संविधान के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को स्थापित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा धार्मिक मामलों का प्रबंध करके भी व्यक्ति अपने धर्म का विकास कर सकता है, ये अधिकार दिया गया है। और शिक्षा संस्कृति के माध्यम से योग्यता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर
और अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करके अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं खोलने का भी अधिकार दिया गया। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। धन्यवाद।